अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज लेके आई हूँ ज्वेलरी कलेक्शन, तो आइए चलते हैं और देखते हैं मेरी ज्वेलरी। सबसे पहले ये मेरे पास पाउच है और इसको खोलते हैं। ये खुल नहीं रहा था तो मैंने सोचा ऑफ कैमरा में इसको खोला जाए। तो ये देखिए, तो ये देखिए कितने प्यारे मेरे पास एयर रिंग्स हैं, इनके साथ पर्ल्स लगे हुए हैं। तो ये मेरे कमर्शियल मार्केट से लिए थे, इसके साथ एक नेकलेस भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 9 का कलर ख़राब हुआ है, 9 का कोई पर्ल्स ख़राब हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ये, पहने हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब ये मैंने देखे थे तो मैंने उसी वक्त इनको बाय कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए थे। ये देखिए जी किस कदर खूबसूरत है। अच्छा सेकंड ये है, ये भी बड़ा खूबसूरत सेट है। ये देखिए नेकलेस कितना खूबसूरत है, इसके साथ एक रिंग है, एक टिक्का और एयर रिंग्स हैं। ये सारा जो सेट है इसकी हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत, इसके कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा प्यारा दिया हुआ है। तो ये मैंने 2-3 बार इसको पहना है और हर एक ने तारीफ की है और अच्छा भी लगा है। ये मैं रिंग दिखा रही थी क्योंकि ये मैंने इतनी यूज़ नहीं की, लेकिन इसका एक जो है स्टोन निकल गया है इसका, फिर हल सोचती हूँ क्या करना चाहिए क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव थी। तो आप ये देखें, ये उस सेट के साथ ही रिंग है, ये देखिए ये भी बड़ी प्यारी सी रिंग है। मैं अक्सर जो है गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो पहनती हूँ, मुझे वो ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन आर्टिफिशियल अगर कहीं से अच्छी मिले तो मैं ज़रूर बाय कर लेती हूँ। तो जो मेरे पास आर्टिफिशियल है उसको कम कम पहनती हूँ। और ये जो सेट आपको दिखाने लगी हूँ ये मैंने अपनी शादी पे लिया था और ये मैंने अपनी पसंद से बनवाया था, उनको ज्वेलरी वालों को बोला था कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए और ये उन्होंने फिर मेरे लिए जो है ये बनाया था। बहुत प्यारा सेट है, इसको मैंने एक बार पहना है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ग्लो वन भी है और ये टिक्का है। ये देखिए कितना प्यारा है, इसका ग्लोबल बहुत खूबसूरत है। स्पेशली इसके जो पल्स हैं रेड कलर में वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें जी कितने प्यारे हैं ये। तो चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी ज्वेलरी है मेरे पास, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगी है। और लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और ये नेक्स्ट मेरे पास झुमके हैं, ये भी बड़े खूबसूरत हैं, इनको मैंने एक बार ही पहने, इनका ना तो कलर ख़राब हुआ है और ना इनकी कुछ चेन ख़त्म हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं ये भी। इसके अलावा एक और झुमके हैं मेरे पास और ये मैंने मेट्रो से आई थिंक बाय किए थे, इनका कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा प्यारा है, ये सिल्वर और रेड के साथ है, सिल्वर कपड़ों के साथ भी चल जाते हैं और रेड भी। और ये जो रिंग है ये मेरी ब्राइडल ज्वेलरी के साथ की रिंग है, ये भी बड़ी प्यारी है। और ये जो मैं अभी आपको टॉप्स दिखा रही हूँ ये बड़े लाइट वेट हैं, बड़े खूबसूरत हैं,
ये देखिए इसमें मैंने एक ये लिए थे और एक रेड लिए थे, सॉरी एक ये रेड लिए थे और एक ब्लैक लिए थे मैंने, और जिनको मैंने अभी तक पहना ही नहीं है। ये देखिए कितने प्यारे, इनको पहने में पता भी नहीं चलता कि आपने कानों में कोई चीज़ पहनी हुई है। ये देखिए अब बैग की बारी आती है, तो इसको खोलते हैं जी, इसके अंदर क्या है। ये मैंने अलजन्नत मार्केट, अलजन्नत से लिया था, कमर्शियल मार्केट से, विक्टोरिया सीक्रेट का। और ये देखिए ये रिंग देखिए, ये मेरे पास कंप्लीट सेट है जो आगे चल के सारा दिखाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा सेट है, इयर रिंग्स हैं ये। और ये वाले देखिए ये कितने प्यारे हैं, ये थोड़े से हैं हैवी, मुझे आदत नहीं है ऐसे पहनने की, लेकिन ये मुझे लुक वाइज अच्छे लगे थे तो मैंने इनको बाय किया था। इसमें एक सिल्वर कलर था, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे ये गोल्डन लगे थे, तो फिर मैंने अट्रैक्टिव लगे थे तो मैंने इनको फ़ौरन से बाय किया था। और ये उस सेट के साथ का जी टिका है, ये रिंग है, ये रिंग सेपरेट है, किसी सेट के साथ की नहीं है। ये देखिए ये इनका मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये मैंने कहाँ से लिए थे, बड़े प्यारे हैं, लाइट वेट है, इनको भी अभी तक मैंने नहीं पहना। और ये कितने खूबसूरत इयर रिंग है, इनके पीछे भी एक स्टोरी है। मेरे से मेरी एक जानने वाली इयर रिंग लेके गई थी जिन्होंने वापस ही नहीं किए थे, तो ये मेरी सिस्टर के थे, फिर उसने एज ए गिफ्ट मुझे दे दिया ताकि मेरे दिल में कोई बात ना आए कि मेरे रिंग्स जो है वो आंटी ने जब्त कर लिए और वापस ही नहीं किए। और ये देखें जी कितनी प्यारी बालियाँ हैं पल्स के साथ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जब मैंने इनको देखा था मैंने फ़ौरन से इनको बाय किया था। मुझे जहाँ भी ज्वेलरी अट्रैक्ट करे या कोई भी चीज़ मैं फिर छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा जी ये जो है ये तकरीबन कोई 8-9 साल पुराने होंगे ये झुमके, और बिलीव मी कि इनका ना तो कलर ख़राब हुआ है और ना ही किसी पल का कलर पल उतरा है या कलर ख़राब हुआ है। ये इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं और पहने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए ये उसके साथ है जो मैंने इयररिंग्स गोल्डन आपको दिखाए थे। ये माला है बड़ी खूबसूरत सी, देखिए। और ये इसके साथ कोलोबंद है, ये देखिए कितना प्यारा है। ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर मैंने इसको अपनी सिस्टर के निकाह पे बाय किया था। और ये जो इयररिंग्स आप देख रहे हैं ये भी बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, लाइट वेट हैं, इनको पहने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने कानों में कोई चीज़ पहनी हुई है। और ये मैंने इस्लामाबाद से लिए थे सफ़ा गोल्ड माल से, देखिए कितने प्यारे हैं ये। और देखते हैं इसमें क्या है, ये वाले देखिए जिनकी जी ये सिस्टर की मेहंदी पर लिए थे जो मैंने फिर पहने ही नहीं थे, लिए मैंने बड़े शौक से थे। और इनकी ये जो नीचे इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी आती है, इसको ऐसे हिलाया जाए तो इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी आती है और बड़ा अच्छा लगता है। ये पोटली बाद में खोलती हूँ, ये मेट्रो की ज्वेलरी है इसमें। और इनमें
एक तो ये है, ये भी बड़े प्यारे हैं, लाइट वेट से नाजुक से हैं। और बिलीव मी, मैंने इनको एक बार भी नहीं पहना और ये जैसे लाई थी वैसे ही पड़े हुए हैं। और ये मैं अभी जो शो करवा रही हूँ ये डबल साइडेड है, आप जो मर्जी साइड से पहन लें। और इसके साथ ये कलर भी है, दो कलर लेके आई थी, एक रेड और एक वाइट। ये देखिए, और ये देखिए मेरी ज्वेलरी का ढेर लग गया। और मुझे टेंशन हो रही है बच्चे आ जाएंगे और मैं इनको जल्दी से शो करवाऊँ और समेटूँ। हाँ जी, ये अभी मैं शो करवाने लगी हूँ माला जो मेरी शादी की है, रेड कलर में। ये देखिए, ये रेड लहंगे के साथ थी और बहुत खूबसूरत है ये, बड़ी प्यारी। और ये इसको जब मैं पैक करती हूँ तो इसकी बड़ी प्यारी मोतियों की आवाज़ आती है तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट इस बॉक्स में देखते हैं, ये मेरी बारात की ज्वेलरी है तो ये देखते हैं। ये देखिए, इनको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने खोल के रख लिए। ये मेरे लिए झुमकी है, ये रेड लहंगे के साथ के थे, रेड में थोड़ा गोल्डन टच भी था तो उसके साथ मैंने मैच किए थे। ये मैंने कमर्शियल मार्केट से ख़रीदे थे, बहुत प्यारी दुकान है वहाँ पे ज्वेलरी की। और ये देखिए, ये मेरा झूमर है, झूमर कितना प्यारा है। और मुझे याद है कि जब मुझे ब्यूटिशियन ये ज्वेलरी पहनाने वाली थी, उसने देखी और वो बहुत हैरान हुई कि इस कदर खूबसूरत ज्वेलरी और इस कदर अच्छी क्वालिटी ये टीका है। और ये अंदर गलू बंद है जो मैं इसको पैकेट में से निकालूंगी नहीं, आप ऐसे ही देख लें। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगेगी। और आपको मेरी कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगी है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और ये मेरे पास रिंग कलेक्शन है, इसके अलावा भी मेरे पास रिंग्स हैं, वो इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में वो भी शो करवाऊँगी आपको। देखिए जी, इतनी प्यारी ज्वेलरी है, बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने किसी एग्जीबिशन से लिए थे, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इनको मैंने बहुत पहना है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसी से मिलते जुलते इयररिंग्स हैं जिनको मैंने एक बार भी नहीं पहना, आज इनको बस आपको दिखाने के लिए निकाला है। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं, हम ले तो लेते हैं लेकिन उनको हम यूज़ ही नहीं करते, ये बस उन्हीं में से एक इयररिंग्स है। बाकियों को तो फिर मैं देखती रहती हूँ, खोलती हूँ। और ये जो हैं बड़े ख़ास हैं, ये मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त ने मुझे दिए थे, इनको भी मैंने थोड़ी देर के लिए एक बार पहना था और फिर मैंने अपने फ्रेंड के निशाने रख दिए क्योंकि उसके साथ मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है। ये एंटीक किस्म के हैं और बड़े खूबसूरत हैं, ज़रा ख़राब नहीं हुए। तो जी, आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।